वेलकम मैं आज दूसरा सेशन है हमारा ऑनलाइन क्लासेस जो क्रिकेट एकेडमी स्पोर्ट्स काउंसिल की है। तो आज हम बात करेंगे ऑफ स्पिन और लेग स्पिन के बारे में, जो हमारा आज जो सेकंड सेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफ स्पिन के बारे में। ऑफ स्पिन में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा आज, और प्लस थोड़ी सी एक्शन ऑफ स्पिन के बारे में थोड़ी सी एक्शन भी दिखाऊँगा। सबसे पहली चीज़ है ऑफ स्पिन में जो मेन जो ग्रिप है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चीज़ है हमारी जो ऑफ स्पिन ग्रिप में है, हमारी जो मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है, इससे सबसे मेन चीज़ यही दो चीज़ें हैं ऑफ स्पिन में। तो जैसे हम बॉल होल्ड करते हैं तो इंडेक्स फिंगर और जो मिडल फिंगर है हमारी, उससे हम होल्ड करेंगे बॉल, और जो हमारा थंब है इसका थंब हमें ज़्यादा इससे यूज़ नहीं करना है, और आप थोड़ा सा लाइट इसमें आप थंब से थंब यूज़ कर सकते हैं। तो मेन जो है हमारा जो मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है वही हमारी सबसे मेन चीज़ है। और ऑफ स्पिन है हमारी, जो ऑफ स्पिन है वो राइट हैंड बैट्समैन के लिए ऑफ स्टंप से लेके लेग स्टंप तक आती है। तो उससे आगे फिर हम बात करेंगे। और जो मेन चीज़ है इसमें जो ऑफ स्पिन है वो इंडेक्स फिंगर से आप जितना आप रोटेट करेंगे उतनी आपकी अच्छी बाउंस और अच्छा स्पिन होगा, जो जितना आप इसको वेरिएशन लाएंगे। और सबसे मेन चीज़ है जब हम एक्शन में आते हैं इस ऑफ स्पिन के, जब लास्ट में हम पहुंच जाते हैं, जो मैंने पिछले सेशन में फास्ट बॉलिंग में भी बोला था कि जब हम बॉलिंग क्रीज पे पहुंच जाते हैं तो हमारा जो पैर है, जो बैक फुट जो पैर है हमारा, वो हमारे पैरेलल टू द क्रीज होना चाहिए। और जो हमारा फ्रंट फुट है इसमें ऑफ स्पिन में, जितना आप थोड़ा सा इसको लेग स्टंप पे रखेंगे या थोड़ा सा मिडिल विकेट की तरफ रखेंगे, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें जब आप एक्शन पे जाएंगे तो पिविट करने में आपको जितना ऑफ स्पिन में जितना पिविट पैर फ्रंट फुट आपका पिविट हो जाएगा, उतना आपको अच्छा मूव मिलेगा बॉलिंग ऑफ स्पिन में। तो दूसरी चीज़ है हमारी इसमें, जितना आप इसको, मैंने अभी जो बोला, जितना आप इसको इंडेक्स फिंगर से जितना आप इसको नचाएंगे, जितना आप इसको वेरी करेंगे, जितना इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, उतना ये अच्छी स्पिन होगी। आगे हम बात करेंगे इसमें एक चीज़ है, जब हम पूरे एक्शन में इसको आएंगे तो सभी को थोड़ा सा आइडिया तो होगा इस ऑफ स्पिन के। जो हम देखते हैं तो इसको बाइसेप्स के ऊपर से देखना है, और जब हम होल्ड करते हैं और जब रिलीजिंग पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा बैक ऑफ द हैंड है वो फेस होना चाहिए, हमारा जो मिड विकेट है उसकी तरफ हमारी जो बैक ऑफ द हैंड है वो वहाँ पे हमें फेस करना चाहिए। और इसमें आप जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे इसको घुमाने की बॉल में, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप इसमें बॉलिंग करेंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा और उतनी अच्छी आपको बॉलिंग होगी इस ऑफ स्पिन में। तो यह हमारा आज ऑफ स्पिन का था। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे लेग स्पिन के बारे में। आपको सबको पता ही है कि स्पिन बॉलिंग में लेग स्पिन सबसे मानी जाती है कि सबसे अच्छी बॉलिंग है बाजादा की ऑफ स्पिन के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे हम फिर से ऑफ स्पिन लेग स्पिन के बारे में। तो सर वही मेन चीज़ है हमारी जो इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर है, तो और प्लस लेग स्पिन में हमारा जो हमारी रिंग फिंगर है वो हमारी इस लेग स्पिन में हमारी मेन बॉलिंग फिंगर है। जो लेग स्पिन है, लेग स्पिन के लिए हमारी जो रिंग फिंगर है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, थंब इसमें यूज़ नहीं होता है। तो एक जितने अभी आप कोशिश करें, जो इसकी ऑफ स्पिन और लेग स्पिन में एक और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो ऑफ स्पिन है उसकी रनअप थोड़ी स्लो होती है, और लेग स्पिन में थोड़ी सी रनअप जैसे फास्ट बॉलर का तेज़ होता है वैसे ही उसके मिडल में होना चाहिए, उसकी पेस उतनी होनी चाहिए, क्योंकि लेग स्पिन में थोड़ी सी पेस होनी चाहिए। और कोशिश करिए जब लेग स्पिन आप जाते हैं तो हम बॉल जब करने के लिए जाते हैं तो पूरा एक फॉलो थ्रू अच्छा होना चाहिए, और आपका पैर जो पिविट होना चाहिए वो पूरा पिविट होना चाहिए। तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर पे जो ऊपर वाला जॉइंट है हमारा, उससे हमें सीम पे पकड़ना है, और जो हमारी जो मिडल फिंगर है उससे उससे हमारी ग्रिप पकड़नी है, और जो हमारी रिंग फिंगर है और उससे हम पूरा ग्रिप पे सीम पे पकड़ेंगे, जिससे हमें लेग स्पिन पूरी स्पिन हो जाए। और उसके बाद हमारी जो लेग स्पिन में है जो एक्शन हमारी है, जब हम रिलीजिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे
तो जब हम रिलीज बॉल करेंगे लेग स्पिन, जब हम लास्ट में पहुंचेंगे, जो हमारी बॉलिंग आर्म है वो हमारी अपोजिट, जो हमारी हिप है अपोजिट हिप के फॉल थ्रू करनी है हमें पूरी, जो हमारी रोटेशन पूरी मिले और जो हमारी आर्म जो बॉलिंग आर्म है वो पूरी फॉलो थ्रू कंप्लीट हो जाए उससे। और इसमें सबसे मेन चीज़ है जब हम रिलीज जब हम बॉल करते हैं जो हमारा जो हैंड का जो फेस है वो डाउन होना चाहिए हमेशा। गुगली में हमें सेम ऐसी जो मैंने अभी फिंगर्स का जो आपको बोला सीम पे पकड़ने के लिए, खाली हमें के लास्ट में एक्शन में जब हम लेग स्पिन में आते हैं तो खाली जो हम फेस जो मैंने अभी हाथ का बोला था लेग स्पिन में हमें डाउन होना चाहिए, तो इसमें हमें खाली एक चीज़ पे याद रखना है जब हम पूरा या हाथ ऊपर से लेंगे तो जो हमारा बैक ऑफ द हैंड है वो हमें बैट्समैन की तरफ होना चाहिए। ये गुगली के लिए हमारा ये एक्शन होगी। खाली इसमें ये लास्ट में आप मूवमेंट में याद रखिए कि जो हमारा बैक ऑफ द हैंड है वो बैट्समैन की तरफ होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ऑफ स्पिन के बारे में और एक बॉल बोलना चाहता हूँ, जो दूसरा हमारा जो मेन सबसे चल रहा है जो दूसरा बॉलिंग का ऑफ स्पिन का, तो उसमें खाली ऑफ स्पिन में हमें क्या करना है, जो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर जैसे हम दूसरे का मतलब है जैसे ऑफ स्पिन हमें ऑफ स्टंप से लेग स्टंप आती है तो दूसरा हमारा लेग स्टंप से बाहर ऑफ स्टंप पे आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें खाली रिस्ट जो हमारा होता है जो ऑफ स्पिन के लिए हमारा सीधा आता है जो पाइन लेग की तरफ जाता है, तो इसमें रिस्ट हमें सीधा आएगा जब हम दूसरा में आते हैं, तो इसमें ये हमारा रिस्ट सीधा आना चाहिए, जो बैक ऑफ द हैंड है वो फेस होना चाहिए बैट्समैन की ओर। ये दूसरा दूसरे के लिए ये सबसे मेन चीज़ है कि हमारा जो हाथ है वो हमारा फेस होना चाहिए बैट्समैन की। ये हमारे दो तीन टिप्स थे लेग स्पिन के बारे में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरे सेशन में और चीज़ें हम ऐड करेंगे इसमें। थैंक यू।